हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीके सोनियास किचन। चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी है हमारी दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए हमने एक कटोरी साबुत उड़द लिया है, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। 3 चम्मच हमने चने की दाल ली है, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। मुट्ठी छोटी कटोरी हमने राजमा लिया है, इसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। पानी डाल के अच्छे से वॉश करेंगे, इस तरह दाल को अच्छे से रगड़ेंगे हाथों में, ताकि इसके मैल अच्छे से निकल जाए। इसको हम 4-5 बार इसी तरह पानी में धो के साफ करेंगे और फिर पानी चेंज कर लेंगे। हमने दाल को अच्छे से धो लिया है, अब हम एक बार फिर पानी को दोबारा डालेंगे और इसको अच्छे से दाल को हाथों से ऐसे मलेंगे। इसको इस तरह हमें 4-5 बार इसी तरह पानी को साफ करके धोना है। दाल को अच्छे से धो लिया है, अब हम एक इसको कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दाल को हमने के कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया, अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और दाल को 6 घंटे के लिए भीगने देंगे। हो गए हैं, अब हम दाल हमारी अच्छे से भीग गई है। अब हम इसमें 1 तेज पत्ता, 3 लौंग और 10 दाने काली मिर्च के डालेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और गैस को ऑन कर देंगे और 7 सीटी आने तक गैस को हम ऑन रखेंगे। हमारी 7 विसल आ चुकी है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है और जब तक कुकर की सीटी खुल रही है तब तक हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। 4 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्ची, 4-5 हमने लाल मिर्ची साबुत को गर्म पानी में 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। अब हम इसके मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। इसकी सीटी हमारी खुल गई है, अब हम दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। दाल भी हमारी अच्छे से गल गई है और इसको हम ऐसे करछी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसमें 1 कड़छी हमने घी डाला है, देसी घी। दाल मखनी में देसी घी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हमने टमाटर, अदरक और हरी मिर्ची का जो पेस्ट डाला था इसको हम फ्राई पैन में डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, नमक हमने दाल को बॉईल करते टाइम भी डाला था इसलिए थोड़ा कम ही डालेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मसाले में भूनेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसको भी ऐसे मसाले में मिक्स कर देंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक मसाले को पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, अब ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है और घी भी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी उसको हम फ्राई पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे।
दाल को अच्छे से मिक्स कर लिया है और दाल को 5 मिनट तक लगातार ऐसे हल्का हल्का सा दबाएंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें 1/2 गिलास गर्म पानी डालेंगे। याद रखिए कि पानी हमें गर्म ही डालना है दाल में, और इसको भी हम ऐसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे दाल को और मिक्स करते रहेंगे। दाल को हम कड़छी से इस तरह थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे मिक्स करते रहेंगे, और दाल में पानी कम ज़्यादा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हो। जैसे कि आपको रोटी के साथ खानी है तो दाल थोड़ी गाढ़ी, और चावल के साथ खानी है तो थोड़ा सा पानी आप तो डाल सकते हो। पानी की जगह आप दूध भी डाल सकते हो। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे और गैस को स्लो कर देंगे। अब ढक्कन उठा के हम देख लेते हैं और दाल को चेक कर लेते हैं। हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो गई है, हमारी दाल बन चुकी है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और अब हम इसमें क्रीम डालेंगे 4 चम्मच। मेरे पास घर की मलाई थी, मैंने वही यूज़ की है। आप बाहर की क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेंगे। हमने एक तवे पे कसूरी मेथी को भून लिया था। अब हम इसमें हाथों में ऐसे कसूरी मेथी लेके हाथ में ऐसे हल्का सा क्रश कर देंगे, इसको ऐसे डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। एक तड़का पैन लिया है, तड़के पैन में 1 चम्मच हमने देसी घी डाला है। हमारा घी गर्म हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे, और इसको ऊपर से ऐसे डाल देंगे। के ऊपर बटर डालते हैं, एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको एक बॉल में ट्रांसफर कर दिया है और हमने ऊपर से बटर डाला है, थोड़ी सी क्रीम से गार्निश किया है और ऊपर से हम थोड़ा धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब हमने इसको हरे धनिया के पत्ते के साथ गार्निश कर दिया है। आप इसको नान, रोटी, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।